हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए हैं कंपाला पेरेंट स्कूल में ईद सेलिब्रेशन के लिए। तो ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये केरला समाज के द्वारा आयोजित किया गया था। इस फंक्शन के लिए केरला समाज ने ना नॉन केरला समाज के लिए 400 एंट्री फ़ीस रखी थी। अगर आप केरला समाज से हो तो आपके लिए एंट्री फ़ीस थी 100 रुपये। और ये स्कूल जो है ना किसी इंडियन का स्कूल है, जिनका नाम है सुधीर रुपरेलिया, जो कि युगांडा के काफ़ी बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। और इन्होंने ना, इनका जो बिजनेस है ना, एजुकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, रियल इस्टेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, होटल, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट, तो आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े बिजनेसमैन हैं युगांडा के। इस स्कूल में ना स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड, बास्केटबॉल, नेटबॉल भी है। तो यहाँ पे ना काफ़ी कंपटीशन होते रहते हैं। जो यहाँ के प्लेग्राउंड है ना, इसमें अगर और भी इवेंट्स होते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है या कोई सिंगर आता है ना, तो इसी ग्राउंड में ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। और आज यहाँ पे ना बच्चों का स्विमिंग कंपटीशन भी था, तो काफ़ी बच्चे आए थे, काफ़ी भीड़ थी। पर हम लोग को ना यहाँ से एंट्री नहीं थी, इसकी एंट्री ना सेकेंड साइड से थी, जो काफ़ी दूर था, तो हम लोग नहीं गए। और ये स्कूल ना 1975 में रेडी हुआ था और ये एक इंटरनेशनल स्कूल है। पर ये जो स्कूल है ना, कुछ लोकल रूल रेगुलेशन को भी फॉलो करते हैं, कुछ सिलेबस भी लोकल होते हैं। और इस स्कूल का फीस स्ट्रक्चर आप सुनोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो यहाँ नर्सरी से लेकर 12th तक की फीस ना पर ईयर की 3 लाख से 5 लाख तक की होती है। तो हाँ, ये काफ़ी महंगा स्कूल है और काफ़ी बड़ा स्कूल भी है। तो अब हम ना मेन फंक्शन में आते हैं। तो बच्चों ने ना काफ़ी अच्छा डांस किया था, काफ़ी वैरायटी के डांस भी किए थे, पर हम लोग ना काफ़ी लेट आए थे तो हमारे आधे फंक्शन ना छूट गए थे। और ये डांस तो बहुत अच्छा था, काफ़ी सिंक्रोनाइज डांस था। और इन छोटे छोटे बच्चों ने ना भी काफ़ी अच्छा डांस किया था, जो मुझे बहुत पसंद आया। तो ये जो हॉल है ना, ये मल्टीपर्पज हॉल है। तो जितने भी यहाँ फूड स्टॉल है, ये यहाँ पर लगते हैं। और आज का मेरा जो आउटफिट था ना, वो इंडियन आउटफिट था। तो मैंने आज पहली बार युगांडा में साड़ी पहनी थी। मैं पहन के बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने पहली बार पहनी थी और मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। और अब खाने में आते हैं। तो खाने में इन्होंने रखा था वेज में गोभी मंचूरियन, दाल, राइस, रायता, पापड़, अचार, सलाद। और नॉन वेजिटेरियन में था चिकन करी, दाल, राइस, पापड़, सलाद हैं, जो कि मुझे 400 के हिसाब से ना मुझे वैरायटी काफ़ी कम लग रही थी। और ये आप हॉल देख सकते हो, ये कितना बड़ा हॉल है। तो आप ना मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको ना युगांडा के बारे में और भी बता सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।